हेलो दोस्तों, चलिए बिहार हिस्ट्री के सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष प्रारंभिक चरण। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो इसका आंसर होगा श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो आंसर होगा दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। तो 1906 में दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1901 में। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो आंसर है श्रीमती अघोर कामिनी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के सम्मेलन में भाग लिए थे? तो आंसर होगा 1887 में। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक मदद किया था? तो आंसर होगा महाराजा दरभंगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रारूप रखा था? तो आंसर है फखरुद्दीन ने। पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो आंसर 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे? तो आंसर है मुंशी प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो आंसर है 16 अक्टूबर 1905 में। बिहार छात्र परिषद का गठन हुआ था किया था? इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो सही आंसर है पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो आंसर है सर अली इमाम। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आंसर है भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो आंसर है 1894 में हुआ था। महेश नारायण प्रथम संपादक थे? तो आंसर है बिहार टाइम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था? तो आंसर है 1906 में रखा गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस सब कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नवाब सरफराज हुसैन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार हेराल्ड के संस्थापक थे गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था? तो आंसर है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आंसर है बांका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आंसर है आर एन माधोलकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिनमें दो बिहारी नेता थे? तो इसका सही आंसर है मजरूल हक एवं सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो आंसर होगा 1917 में हुआ था। बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1908 में हुआ था। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तो आंसर होगा पटना विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था? तो आंसर है 16 दिसंबर 1916 को। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे? तो आंसर होगा मजरूल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी? तो सही आंसर होगा 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो आंसर होगा बांकीपुर पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा करने का विचार रखा था? तो आंसर होगा रायपुर चंद्र ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचारण नहीं हुआ था? तो आंसर है चंपारण में। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने किया था? तो जनकधारी प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो आंसर है 1853 में किया गया था। बिहार बंगाल से अलग हुआ? तो आंसर है 1912 में। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद
गया। पटना जिले में भयानक भी दंगे हुए थे, तो आंसर होगा 1917 में हुआ था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, उसका नेतृत्व किया था, तो आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो आंसर है 1912 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था, तो आंसर होगा बंगाल महाप्रांत के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेटेड शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था, तो आंसर है 5 रुपये से 1 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राज ने बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत की गठन किया था, तो आंसर होगा जॉर्ज पंचम ने। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था, तो आंसर होगा बिहार में। कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे, तो आंसर है फखरुद्दीन। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था, 1 अप्रैल 1912 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो आंसर है बांकीपुर में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है बिहार एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तो क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, तो आंसर है जज किंग फोर्स की। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था, तो आंसर है खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने। मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहरा कर किसे फांसी दी गई थी, तो आंसर है खुदीराम बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, जी हाँ उसका सही आंसर होगा, उसने गिरफ्तार होने की वजह मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, तो आंसर है 11 अगस्त 1908 को। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे, तो आंसर है कालिदास बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना हुई थी, तो सचिन सान्याल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने किया था, तो आंसर है भूपेंद्रनाथ दत्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था, तो सही आंसर होगा बंकिम चंद्र मित्र थे। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था, तो आंसर है पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था, बालमुकुंद वाजपेयी ने किया था। माँ की पुकार नामक पुस्तक संबंधित है, तो आंसर है भागलपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर उसके स्थान पर कनिंगम को नियुक्त किया गया था, तो आंसर है बिहारी का। रेवती नाग संबंधित है, तो भागलपुर से। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति के लिए भेजा था, तो आंसर होगा ढाका अनुशीलन समिति का। श्री सचिन बख्शी थे, तो एक क्रांतिकारी थे। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था, तो आंसर है भागलपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पर तीर्थ षड्यंत्र केस का मुकदमा चला, तो आंसर होगा योगेंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था, तो आंसर होगा फणीन्द्र नाथ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री मणिन्द्र नारायण राय थे, तो आंसर है क्रांतिकारी। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी, तो 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई, तो आंसर है मोतिहारी में। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी, तो मुंगेर में हुआ था। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था, तो आंसर है प्रोफेसर ज्ञान शाहा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, तो आंसर है 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना किसने किया था, तो मनिंद्र नारायण राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे,
तो आंसर होगा कृष्ण बल्लभ सहाय। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी, तो आंसर होगा पटना से। तरुण भारत संघ संबंधित है, तो सही आंसर है मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल की किस पत्रिका से संबंधित थे, तो आंसर है महावीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे, तो आंसर होगा फणीन्द्रनाथ घोष, मनोहर बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने किया था, तो आंसर है बाबा जी ठाकुरदास ने। 1906-07 में पटना से द मदरली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो आंसर है बाबा जी ठाकुरदास ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारी के सक्रिय नेता थे, तो आंसर है यदुनाथ सरकार। अनुशीलन समिति क्या थी, तो एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण जिला के मौलानिया डकैती गैस के संबंध में सत्य है, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि यह एक राजनीतिक डकैती भी था। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा भी हुई थी। ठीक है, ये सभी ऑप्शन सही है। फणीन्द्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे, आंसर होगा चंद्रमा सिंह एवं वैकुंठ शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीन्द्रनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्यु दंड की सजा किसे दी गई थी, तो वैकुंठ शुक्ल को दिया गया था। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था, तो आंसर होगा फणीन्द्रनाथ घोष एवं भगत सिंह को। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब हुई थी, तो आंसर होगा जनवरी 1933 में। गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित नहीं थे, तो फणीन्द्रनाथ घोष नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई, तो आंसर है रामदेनी सिंह को। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी, तो आंसर होगा क्रांतिकारी। दशहर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक थे, तो आंसर होगा सखा गणेश देवास्कर। चुनचुन पांडे थे, तो आंसर होगा बिहार के क्रांतिकारी नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है चंपारण और से सत्याग्रह से। तो पहला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन था, तो आंसर होगा क्या होगा, एक किसान आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिनकठिया प्रथा संबंधित है, तो चंपारण आंदोलन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था, तो सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए थे, तो आंसर है राजकुमार शुक्ल के कहने पर। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ था तो 1917 में हुआ था। तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी तो चंपारण में। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था, तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण के नील किसानों के मामले में संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, 4 अक्टूबर 1917 को। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी सही है। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए, तो आंसर होगा जनकधारी प्रसाद को। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था, तो आंसर होगा चंपारण आंदोलन में। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था, तो आंसर होगा चंपारण में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो आंसर है राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण आंदोलन के से कौन संबंधित नहीं था, तो आंसर है जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। गांधी जी के ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था, तो आंसर है चंपारण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है महात्मा गांधी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, तो आंसर है मोतिहारी में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन इसलिए था, किस लिए था, तो सही आंसर है नील की खेती करने वाले की समस्या समाधान के लिए था। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है, तो आंसर होगा चंपारण। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1917 में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, इसका सही आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है।
तो अब चलिए, अब जो है एक और भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक सब जो है कि अब आ रहा है, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन देखे होंगे तो विगत वर्षों में कई बार आ चुका है। तो क्वेश्चन है सत्याग्रह और असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार, ठीक है, ये टॉपिक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में हुआ था? तो आंसर है सैयद हसन इमाम। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी। तो 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था? तो आंसर होगा सैयद हसन इमाम ने किया था। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ था? तो आंसर होगा फरवरी 1919 में हुआ था। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो आंसर होगा 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किया था? तो मौलाना मजरुल हक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन सा महिला नेता सक्रिय रही? तो आंसर होगा वी अम्मा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28-29 अगस्त 1920 को हुई, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा भागलपुर में। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो आंसर होगा 1920 में। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन किया गया था? तो आंसर है राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विद्यानंद संबंधित है तो किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी? तो आंसर है पटना में। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो आंसर है महात्मा गांधी ने किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था तो 6 फरवरी 1921 को हुआ था। बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय का प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए थे? तो आंसर है राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने थे? तो आंसर है मजरुल हक बने थे। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आंसर होगा दीप नारायण सिंह ने। मोहम्मद जुबेर ने असहयोग आंदोलन में किस जिले का नेतृत्व किया था? तो मुंगेर से होगा। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता थे तो राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम थे। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ सबसे स्थिति गंभीर थी? तो आंसर होगा तिरहुत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे? तो आंसर होगा रायचंद्र राय साहब महेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी के किस जिले से संबंधित हैं? तो आंसर है मुजफ्फरपुर। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितने धनराशि एकत्रित करना था? तो 942,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया गया था? तो आंसर है मजरुल हक ने किया था। तिलक ने स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की? तो 7.5 लाख रुपये। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी? तो आंसर है गया में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कल्याणकारी समिति में एक स्थान दिया था? तो सही आंसर है जुलाई 1921 में। बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोग के पक्ष में पड़ा था? आंसर है मुजफ्फरपुर। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र किया? आंसर होगा बिहार शरीफ। सत्यनारायण लाल संबंधित हैं? आंसर होगा बक्सर से। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो आंसर होगा भागलपुर में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना का यात्रा हुई थी? तो आंसर होगा 22-23 दिसंबर 1921 में। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी? तो आंसर होगा 27 नवंबर 1921 को। किसान समाचार के संस्थापक थे? तो आंसर है विद्यापति, स्वामी विद्यापति। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बापू ताराचंद तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने
के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? आंसर होगा विदिशिया। बिहार में कौन सा जिला अशोक आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो आंसर होगा मुजफ्फरपुर। बिहार में कौन 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? आंसर है भागलपुर। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? आंसर होगा 25 अगस्त 1922 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? तो सही आंसर है गया में हुआ था। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था तो विधान परिषद में प्रवेश। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? श्री नारायण प्रसाद। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? आंसर है पटना का। 1923 में हुए विधान मंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? आंसर होगा 8। 1923 में बिहार चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? आंसर होगा 10। नेक्स्ट है सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ हुआ था? आंसर है सचिदान सिन्हा एवं हसन इमाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा भागलपुर। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी तो 1921 में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन हुआ था? आंसर होगा गया में। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। आंसर होगा बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का। सदाकत आश्रम संबंधी स्थापना की थी तो आंसर होगा मजहरुल हक ने। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू था? तो आंसर होगा असहयोग आंदोलन के समय। बिहार के गवर्नर जनरल लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर के पद से किस आंदोलन के दौरान इस्तीफा दिया था? आंसर होगा असहयोग आंदोलन के दौरान। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको देखिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।